नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा संधू, आप देख रहे हैं किसान रोड चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कीटनाशक दवाइयों पर। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने से पहले एक फार्मर को कुछ खास बातों का पता होना चाहिए कि कीटनाशक दवाइयों को खरीदने से पहले क्या सावधानियां बरतनी हैं, कैसे कीटनाशक दवाइयों का घोल तैयार करना है, उसको अपने खेत में छिड़काव करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी हैं। अगर कोई किसान कीटनाशक दवाइयों के संपर्क में आ जाता है या उससे इफेक्टेड हो जाता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। फसलों पर कीट लगना एक आम बात है और इन्हीं कीटों से फसलों की सुरक्षा के लिए किसान कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है। ये कीटनाशक दवाइयाँ बहुत जहरीली होती हैं, ये हमें कैंसर जैसी भयंकर बीमारियाँ भी देती हैं, लेकिन कई बार ये कीटनाशक दवाइयाँ हमारे खाने की थाली तक पहुँचने से पहले ही फार्मर की जान ले लेती हैं। और इसका कारण है फार्मर द्वारा लापरवाही से इन कीटनाशक दवाइयों का अपने खेत में छिड़काव करना। ऑक्सीडोमेटोन मिथाइल और फोरेट मोनोक्रोटोफोस जैसी इतनी भयंकर कीटनाशक दवाइयां हैं कि 60% देशों में इन दवाइयों को बैन किया हुआ है, लेकिन भारत में इन दवाइयों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग हो रहा है। केयर रेटिंग के आंकड़ों को अगर हम उठाकर देखते हैं तो 1950 में केवल 2000 टन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज लगभग 90,000 टन तक कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, जहां 6.5 या 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता था, आज वो बढ़कर 1.5 करोड़ तक हो गया है। लगभग 1.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कीटनाशक दवाइयों को छिड़का जाता है। तो जब भी फार्मर इन कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करें तो कुछ खास सावधानियाँ बरतें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फार्मर कीटनाशक दवाइयों को खरीदने जाता है तो वो सबसे पहले कीटनाशक दवाई की पैकिंग पर CIR नंबर जरूर देखें। उसके तुरंत बाद उसे एक तिकोना निशान उस लेबल पर जरूर देखना चाहिए, लेकिन उसे ध्यान रखना है कि कभी भी उसे लाल, नीले और पीले कलर वाले तिकोने निशान की कीटनाशक दवाइयां नहीं खरीदनी है, क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक होती हैं। उसे हमेशा ही हरे तिकोने निशान वाली कीटनाशक दवाइयों को खरीदना है। एक बार में एक फार्मर को उतनी ही कीटनाशक दवाइयों को खरीदना चाहिए जितनी उसे उस समय ज़रूरत हो। कई बार फार्मर एक ही टाइम में ज़्यादा कीटनाशक दवाइयां खरीद लेते हैं कि इन्हें बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी नोजल को मुंह से साफ नहीं करना है कंटेनर की, और जब भी वो स्प्रे के घोल को अपने खेत में छिड़कने जाए तो सबसे पहले उसे ध्यान रखना है कि कभी भी तेज़ धूप में या गर्मी में उस स्प्रे का छिड़काव नहीं करना, और कभी भी एयर जो हवा चल रही होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रे को नहीं करना है। और जिस भी स्प्रे पंप से वो स्प्रे कर रहा है उसकी नोजल लगभग 1.5 या 2 फीट ऊंची होनी चाहिए, और नोजल को ज़्यादा इधर उधर उसे नहीं घुमाना है। जब भी वो स्प्रे करे तो नोजल को मुंह से साफ नहीं करना है, 90 डिग्री एंगल पर ही स्प्रे करना है। अगर बारिश हो रही है उसमें भी स्प्रे नहीं करना, बारिश होने का मौसम हो रखा है तब भी नहीं करना, और बारिश के तुरंत बाद भी स्प्रे नहीं करना है। हमेशा ही ठीक सुबह या शाम के वक्त ही स्प्रे करना है। और स्प्रे करते समय एक विशेष बात का किसान को ध्यान रखना चाहिए कि वो कुछ भी खाए पिए नहीं, उस समय वो कुछ चबाए नहीं, ना ही किसी तरह का कोई नशा करे। स्प्रे करने के बाद जिस भी बाल्टी का या कपड़ों का एक फार्मर ने इस्तेमाल किया है उन्हें गर्म पानी से अच्छे से 3-4 बार उन्हें धोना चाहिए, और जो भी दवाई का जो कंटेनर है उसको किसी भी कुएं या तालाब या नदी के पास उसे नहीं फेंकना है। उसे किसी बंजर भूमि में मिट्टी के नीचे दबा देना है गड्ढा खोदकर, और उस कंटेनर को कभी भी घर के दूसरे कामों में यूज में नहीं लाना। स्प्रे करने के बाद फार्मर को ध्यान रखना है कि जिस भी खेत में, जिस भी फील्ड में उसने ये स्प्रे किया है वहाँ पर कोई पशु ना जाए, कोई बच्चा उधर ना जाए। और इसके अलावा फार्मर को एक और बात ध्यान रखनी है कि जब भी फार्मर स्प्रे करे उस समय वो कोई भी नशा ना करे कुछ, और खाली पेट कभी भी उसे स्प्रे नहीं करना है।
अगर कई बार फार्मर गलतियां कर देते हैं और वो कीटनाशक दवाइयों के संपर्क में आ जाते हैं, उनसे इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, तो हमें सबसे पहले इफ़ेक्टेड फार्मर को खुली हवा में लेके आना है और उसके कपड़ों को ढीला कर देना है, उसके मुंह से मास्क हटा देना, सिर से कपड़ा अलग कर देना है। अगर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसे पेट के बल लेटा कर आगे की तरफ हाथ फैलाकर उसे कृत्रिम सांस देने की कोशिश करनी है और अपने आसपास नज़दीक हॉस्पिटल में तुरंत सूचना करनी है। जैसे ही डॉक्टर आए उसे उस दवाई का लेबल आप सबसे पहले दिखाएं जिसका वो स्प्रे कर रहा है, और जब तक डॉक्टर नहीं आता तब तक आपको गुनगुने पानी में 2 या 3 चम्मच नमक डालकर पानी में उसे पिलाना है और उल्टी कराने की कोशिश करनी है। इन सब बातों का ध्यान रखकर आप कीटनाशक दवाइयों के जहरीले प्रभाव से बच सकते हैं और फार्मर्स की जो कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव करते समय जान जाती है उससे बचा जा सकता है।